अयोध्या में राम के आगमन की तैयारियां जोरों पर चल रही है। घर घर में उत्साह है, राम भक्ति के माहौल से पूरी देश और दुनिया लबरेज है। और इसी कड़ी में हमने भी शुरू की है सीरीज अकथ कहानी राम की। जी हाँ, मैं हूँ आपके साथ ज्योति सिंह। अपने राम को कुछ और पहचान, इसके पिछले अंक में हमने आपसे पूछा था कि रामायण काल के तीन लोग आज भी जिंदा हैं। इनके नाम है हनुमान, जामवंत और विभीषण। आपको ये बताना था कि रामायण काल से पहले के भी दो लोग आज तक जिंदा हैं, उनके नाम क्या हैं? तो चलिए हम आपको बता दें, उनके नाम हैं विरोचन पुत्र महाबली और जमदग्नि के पुत्र परशुराम। रामायण की चर्चा करें या प्रभु श्री राम की चर्चा करें, दोनों ही बातें राम भक्ति से जुड़ी हुई हैं। तो आइए कुछ ऐसी चर्चा करते हैं जिससे आप अनजान हैं। इन दिनों प्रभु श्री राम की धूम वैश्विक स्तर पर हो चली है। धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशक गीता प्रेस से रामचरितमानस की एक एक प्रति बिक चुकी है। रामचरितमानस की मांग उसकी पूर्ति से कई कई गुना ज्यादा हो गई है। महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में कुल 24,000 श्लोक हैं। आपको ये भी बताते चलें कि गायत्री मंत्र रामायण के प्रत्येक 1,000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर को जोड़कर निर्मित किया गया है। है ना महत्वपूर्ण चर्चा? वाल्मीकि रामायण में रामायण का केंद्र थी सीता माता, और सीता के इर्द गिर्द ही पूरी रामायण घूमती है। लक्ष्मण रेखा वाली किसी भी घटना का जिक्र मूल वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता। माता सीता भगवान राम की पत्नी होने के साथ साथ लक्ष्मी का अवतार भी थी। माता सीता ने अपने लड़कपन में ही भगवान शिव के धनुष को उठा लिया था। इस अद्भुत दृश्य को देखकर ही राजा जनक ने सीता के स्वयंवर में धनुष तोड़ने की शर्त रखी थी। विवाह के पश्चात वनवास के दौरान माता सीता का नाम वैदेही था। महर्षि वाल्मीकि के मूल संस्करण के अलावा रामायण के और भी अन्य संस्करण हैं जिसमें कथाएं कुछ अलग अलग तरह से देखने को सुनने को मिलती हैं। लंका के राजा रावण को ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता उसे नहीं मार सकता, उनको ही मारने के लिए भगवान राम को अवतार लेना पड़ा। ऐसी भी कथा है कि नंदीबैल ने रावण को श्राप दिया था कि बंदर तेरे विनाश का कारण बनेंगे। रावण की तीन बीवियों से हुए थे 7 महान योद्धा पुत्र। वे थे इंद्रजीत, अतिकाय, अक्षय कुमार, नरांतक, देवांतक, त्रिशिरा और प्रहस्त। अपने राम को कुछ और पहचाने, इस अंक में छोड़े जाते हैं हम आपको इस सवाल के साथ, जिसका जवाब आप देंगे हमें हमारे कमेंट बॉक्स में। आपके लिए हमारा आज का प्रश्न होगा, गुड़ाकेश रामायण के किस किरदार का दूसरा अप्रचलित नाम है? तो हमें आपके प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते सुनते रहिए ललूराम.com। मुझे दें इजाजत, नमस्कार।